अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन कमाल और आप देख रहे हैं कमाल स्पोर्ट्स। दोस्तों, पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर शोएब मलिक, जिन्होंने पाकिस्तान को 2009 का T20 वर्ल्ड कप जितवाने में अहम रोल अदा किया था, फाइनल में वो नॉट आउट रहे थे शाहिद खान अफरीदी के साथ जबरदस्त बैटिंग की। दोस्तों, शोएब मलिक ने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन उनको पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। एशिया कप में भी पाकिस्तान ने शोएब मलिक को टीम का हिस्सा नहीं बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में जो मुश्किल हैं वो बरकरार रहीं। इंग्लैंड के खिलाफ भी शोएब मलिक को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आतिफ जुवेद कह रहे हैं कि शोएब मलिक को पाकिस्तानी टीम में लाओ, जिद छोड़ो, बाबर आजम और शोएब मलिक को टीम में लाओ। तौफीक उमर ने भी कहा है कि शोएब मलिक को पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जाए। उसके अलावा मोहम्मद हफीज भी कह रहे हैं कि शोएब मलिक को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए। वकार यूनुस ने तो अपनी जो प्लेइंग 11 बनाई है वर्ल्ड कप के लिए, उन्होंने उसमें शोएब मलिक को शामिल किया है, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, कप्तान है, कोच है, वो उनको शामिल नहीं कर रहे। पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो कह रहे हैं शोएब मलिक को पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन बाबर आजम उनको शामिल नहीं कर रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शोएब मलिक को पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? शोएब मलिक, आप जैसा कि जानते हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर है, खासकर वो बेहतरीन फिनिशर हैं। T20 में उनका जो बैटिंग करने का स्टाइल है सबको पता है, और ज़बरदस्त फॉर्म में है शोएब मलिक, और उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आइंदा भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।